देखिए, इटावा का के महाविद्यालय एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय रहा है। आज इटावा ही नहीं, आसपास के कई जिलों में एक इसकी साख रही है और इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मेरी प्राथमिकता होगी कि इस महाविद्यालय के जो गौरवशाली इतिहास को वापस लाने की, पठन पाठन का जो माहौल है उसको बेहतर बनाने की, अनुशासन का माहौल बेहतर हो, और इसके साथ साथ में जो सरकार नई शिक्षा नीति लेकर के आई है और सरकार की मंशा के अनुरूप जो शिक्षा नीति है वो लागू हो, छात्रों को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराना और स्किल डेवलपमेंट के जितने भी कोर्सेज हैं उनको बेहतर तरीके से लागू करने की प्राथमिकता होगी। साथ साथ में जो परीक्षाएं हैं वो सुचितापूर्ण तरीके से हों और बेहतर तरीके से एक अच्छे नागरिक बनकर के इस महाविद्यालय के छात्र निकलें, ये मेरी प्राथमिकता होगी। मेरा उद्देश्य ये होगा कि जितने भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, शिक्षक के साथ साथ में जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका सबका साथ लेकर के इस महाविद्यालय को उन्नयन के लिए काम करूँगा। मैं समझता हूँ कि जो छात्र छात्राएँ हैं एक उद्देश्य लेकर के आते हैं और उनका उद्देश्य ये होता है कि हमको बेहतर पढ़ाई का माहौल मिले, तो मेरा ये उद्देश्य होगा कि सभी शिक्षकों के साथ में बैठ करके जो अभी कुछ कमियाँ होंगी, जो नहीं मिल पा रहा होगा, उसको बेहतर करने का प्रयास होगा और अच्छा माहौल पठन पाठन का हो। और साथ साथ में मेरा ये प्रयास होगा कि जो गार्जियंस हैं, जो माता पिता हैं, उनके साथ में भी एक संवाद कायम हो और वो अपने छात्रों को यहाँ पर भेजें पढ़ने के लिए और बेहतर माहौल पढ़ाई लिखाई का तैयार किया जाए। जो कॉलेज के मैं समझता हूँ कि मेरे लिए महाविद्यालय नया नहीं है, मैं यहाँ से बहुत 10-15 सालों से जुड़ा रहा हूँ। यहाँ परीक्षाओं के प्रयोगात्मक परीक्षाओं को लेने आता रहा हूँ, कई सेमिनार्स गोष्ठियाँ हुई हैं उनमें भाग लिया है और सभी लोग यहाँ के प्रतिभाशाली हैं, आयोग से चयनित शिक्षक हैं और इनके अंदर काफ़ी क्षमताएं भी हैं। उन सबका सहयोग मुझे मिलेगा और एक बेहतर माहौल हम लोग यहाँ क्रिएट कर पाएंगे, अच्छा एक संस्थान का एक गरिमा पुनः लौटे, इसका प्रयास होगा और मुझे लगता है कि सभी लोगों का मुझे भरपूर सहयोग मिलेगा।